देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। आज बुलंदशहर के तहसील अनूपशहर क्षेत्र के गांव खुशालगढ़ में भीषण आग लग गई। राह चलते लोगों ने आग को देखा और देखते ही देखते आग इतनी तेज फैल गई थी कि उसके पास जाना मुश्किल हो रहा था। तो वहां के लोगों ने नलों से पानी खींचकर आग को बुझाने की कोशिश की। 101 पर सूचना करने पर 1.5 घंटे देरी से पहुंची फायर सर्विस की गाड़ी, तो लोगों ने नाराजगी बताई। फायर सर्विस की गाड़ी पहुँचने तब सब कुछ जलकर राख हो गया था। थाना अनूपशहर पुलिस ने आग को बुझाने में की मदद। घटनास्थल पर पहुंचे थाना अनूपशहर के आला अधिकारी खबर लिए जाने तक आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया। आग लगी हुई है, ये देख रहे हैं मेरे सामने पीछे, यहाँ पर डोरे जले हुए हैं काफी देर से, और कल जो आपकी गाड़ी अभी तक आई नहीं है, और यहाँ पर जो लोग आ गए वो यहाँ से ये पानी चला चला के और जा रहे हैं, आग काबू में नहीं आ रही है, और यहाँ से जो है सामने आग जल रही है, ये दिखाने की कोशिश करें थोड़ी दूर से कि आग लग रही है, और वहाँ पर लोग जो हैं अपने यहाँ पर बाल्टी में पानी बुझा रहे हैं। आग लग रही है, ये जो मकान दिखाई दे रहा है इसमें अंदर आग लगी हुई है, इसमें भूसा भरा हुआ है और काफी सारा भूसा भरा हुआ है, और इसमें अंदर आग लग चुकी है। गाड़ी यहाँ पर भी है नहीं, लेकिन जो भी व्यवस्था हो रही है वो लगातार की जा रही है। यहाँ देखा जाए कि लाइट की जो व्यवस्था है वो अभी फोन करके लाइट को बुलाया गया था हाइडल से, तो यहाँ से पास कमर चलाई जा रही है, जैसी भी व्यवस्था ग्रामीणों पे बन रही है वो व्यवस्था सारी की जा रही है, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से और कोई भी व्यवस्था नहीं है। लोग का कहना है कि यहाँ पर बिल्कुल भी उनकी तरफ से वो दिखाई नहीं जा रही है, आग बढ़ती जा रही है, आग पर काबू पाया गया है। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक छप्पर था, इसमें काफी सारे पशु बंद रहे थे, लेकिन उनको जल्दी से खोल दिया गया है, पशुओं का कोई नुकसान नहीं है, उसको बचा लिया गया है, लेकिन यहाँ पर बंधे हुए थे, अगर अचानक कोई यहाँ नहीं देखता इस आग के लिए तो काफी सारा नुकसान होने की संभावनाएं थी, लेकिन देखा जा रहा है जितना भी हो पानी की व्यवस्था है, हवा भी काफी तेज चल रही है, पूरी तरह से यहाँ बिटोले जल चुके हैं, और इधर देख लो ये चल रही है लगातार, यहाँ पर चल रहे हैं समर से पानी चला रखा है, काफी देर से हो रहा है, गाड़ी अभी तक आई नहीं है, पड़ों को पता नहीं जी अचानक ही लग गई आग। और यहाँ पर कितना नुकसान होने की संभावना है? ये नुकसान यहाँ करीबन 10-12 बिटोरे दोंगी और छप्पर जल गए जी। आपने फोन नहीं किया दमकल विभाग पर? फोन किया जी, अभी गाड़ी कोई नहीं आई। कितनी देर हो गई लगो आग लगे हुए तो? लगे करीब 1.5 घंटा हो गया। बुलंदशहर से संवाददाता गुड्डू राघव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।